पन्ना होम नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। खबरों की शुरुआत करते हैं पन्ना जिले की मुख्य खबरों से। मासूमों की हत्या के विरोध में सौंपा ज्ञापन, पुलिस ने जब्त की 1 लाख की अवैध शराब। धूमधाम से मनाई गई महाराजा अग्रसेन जी की जयंती। अंतरा कैंप का हुआ आयोजन, पटवारी संघ ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। मुख्य खबरों के बाद खबरें अब विस्तार से। मुख्य खबर के प्रायोजक हैं स्टार मोबाइल गैलरी, बस स्टैंड चौराहा पन्ना। स्टार मोबाइल गैलरी में बजाज फाइनेंस की ओर से 0% ब्याज दर पर समस्त कंपनियों के मोबाइल उपलब्ध हैं। मासूमों की हत्या के विरोध में सौंपा ज्ञापन। शिवपुरी जिले के भावखेड़ी ग्राम में दलित समाज के 2 मासूम बच्चों की हत्या ग्राम पंचायत भवन के सामने शौच करने को लेकर दबंगों द्वारा की गई थी। उक्त मामले को लेकर गुनौर की वाल्मीकि समाज तथा अनुसूचित जाति विभाग द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन दिया गया, जिसमें आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। ज्ञापन के पूर्व स्थानीय तहसील गेट से लेकर रैली निकालकर SDM कार्यालय पहुँचे तथा प्रदर्शन किया। ज्ञापन में मुख्य रूप से पीड़ित परिवारों को शासकीय नौकरी देने तथा आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की गई। ज्ञापन देने वालों में सेवा संगठन के नगर अध्यक्ष संदीप वाल्मीकि, नगर कार्यवाहक अध्यक्ष राहुल वाल्मीकि, अनुसूचित जाति कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अमर वाल्मीकि, ट्रेड यूनियन नगर अध्यक्ष नरेंद्र वाल्मीकि, सनी यादव, त्रिदेव रेखवार, अजय प्रजापति, अनिल वाल्मीकि, ओम कुशवाहा, अभिषेक वाल्मीकि, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जय नरेश द्विवेदी, बालाजी युवा संगठन नगर अध्यक्ष श्रवण तिवारी, भाजपा युवा मंडल अध्यक्ष मलकान सिंह राजपूत सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। पुलिस ने जब्त की 1 लाख की अवैध शराब। थाना सेवरिया चौकी मोहद्रा के मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि सफ़ेद रंग की बोलेरो गाड़ी रैपुरा से मोहद्रा की ओर काफ़ी मात्रा में शराब लेकर आ रही है। उक्त सूचना की तस्दीक एवं रेट कार्यवाही हेतु पुलिस चौकी मोहद्रा के प्रभारी हमराही बल के साथ थाना पुलिस को सूचना देकर मुखबिर के बताए स्थान के लिए रवाना हुए। पुलिस द्वारा की गई आधिकारिक पुष्टि के मुताबिक मुडेरा बैरियल के आगे दानदाई के पास रेपोरा तरफ से एक सफ़ेद कलर की बोलेरो गाड़ी आती दिखी। पुलिस को देखकर गाड़ी में बैठे छोटे राजा निवासी गड़ोघर, हाल निवासी महाराजगंज एवं गोलू राजा निवासी चिखला दोनों थाना सेवरिया गाड़ी छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल में भाग गए। मौके पर वाहन को चेक किया गया, जिसमें गोवा शराब की 19 पेटी मात्रा 170 लीटर कीमत लगभग 95,000 रुपये की शराब रखी मिली। धूमधाम से मनाई गई महाराजा अग्रसेन की जयंती। अग्रकुल प्रवर्तक महाराजा अग्रसेन की जयंती पवई नगर में धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर नगर के अग्रबंधुओं द्वारा बाइक रैली निकालकर यह रैली मोहंद्रा रोड से प्रारंभ होकर झंडा बाजार, मिलोनीगंज, ककरी तराहा, नन्नी पवई बस स्टैंड, गांधी चौक से होते हुए माँ कलही प्रांगण में पहुँची, जहाँ पर महाराजा अग्रसेन जी की 5143वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम स्थल में महाराजा अग्रसेन का पूजन अर्चना की गई। इसके पश्चात विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भोले प्रसाद अग्रवाल एवं अध्यक्ष लखनलाल अग्रवाल मुड़वारी रहे। दो कार्यक्रम में अग्र समाज के मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम के पुरस्कार वितरण किए गए। कार्यक्रम को लेकर महिलाओं एवं बच्चों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम का सफल संचालन आलोक अग्रवाल तथा मनोज अग्रवाल द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में पवई नगर तथा आंचलिक क्षेत्रों में अग्रबंधु महिलाएं एवं बच्चे शामिल रहे। अंतरा कैंप का हुआ आयोजन। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पन्ना में CHI व CID संस्था और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से गर्भ निरोधक इंजेक्शन की जानकारी हेतु अंतरा कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें विभाग के मार्गदर्शिका डॉक्टर हरदीप सिंह, जिला मीडिया अधिकारी मीरा खरे, नईमा सुल्तान, HLV MP हरवार, NMM और CID, संस्था की DC अनीशा शर्मा, संस्था के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर कवि मिश्रा
उपस्थित रहे। इस दौरान अंतरा कैंप में गर्भ निरोधक उपाय के बारे में जानकारी साझा की गई। पटवारी संघ ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन, मंत्री के आपत्तिजनक बयान पर आक्रोशित दिखे पटवारी। हाल ही में प्रदेश के मंत्री जीतू पटवारी द्वारा एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान पन्ना पटवारियों पर आपत्तिजनक शब्द कहे थे। इससे प्रदेश भर में पटवारी आक्रोशित हो गए। पन्ना में भी इसका असर देखने को मिला। आज पटवारी संघ पन्ना के अध्यक्ष विमल यादव की अगुवाई में जिले भर के पटवारी कलेक्ट्रेट परिसर में जमा हुए, जहां उन्होंने व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। पटवारियों का कहना है कि इस तरह सार्वजनिक रूप से एक मंत्री के द्वारा पटवारियों को भ्रष्ट कहना बेहद ही निंदनीय है। समस्त पटवारी इनकी आलोचना करते हैं। पटवारियों ने इस संबंध में एक ज्ञापन भी मुख्यमंत्री के नाम ADM को सौंपा है। ज्ञापन में पटवारी संघ ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि मंत्री जीतू पटवारी अपने शब्द वापस नहीं लेते और इस मामले पर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो पटवारी प्रदर्शन को बाध्य होंगे। पटवारियों ने इस मामले को अपने सम्मान से जोड़ते हुए कहा है कि जल्द माफ़ी नहीं मांगी गई तो पटवारी संघ उग्र प्रदर्शन को बाध्य होगा। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पटवारी उपस्थित रहे। पटवारी को 100% भ्रष्ट बोला, रिश्वत को बोला, उसी के उसने हम लोग की ज्ञापन दिए। पूरे जिले के? पूरे जिले का। क्या नाम है आपका? देवती गुप्ता। हम लोग जो है मध्य प्रदेश पटवारी संघ के बैनर तले प्रांतीय आह्वान पर यहाँ ज्ञापन सौंपने आए हुए हैं। माननीय मंत्री श्री जीतू पटवारी जी द्वारा एक कार्यक्रम में सार्वजनिक रूप से मध्य प्रदेश के समस्त 100% पटवारियों को रिश्वतखोर बोला गया है, उससे हमारा पटवारी जगत में आक्रोश है। हमारे पटवारी लोग आक्रोशित हैं। हम इसमें जो है मंत्री श्री जीतू पटवारी जी से सार्वजनिक रूप से माफी की मांग करते हैं, अन्यथा 3 दिन बाद हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विमल यादव है। मैं मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिला शाखा पन्ना का अध्यक्ष हूँ। 13 अक्टूबर तक जमा हीरे होंगे नीलामी में शामिल। कार्यालय हीरा अधिकारी पन्ना से प्राप्त जानकारी के अनुसार हीरा खदानों से प्राप्त हीरों का घोष विक्रय कार्यालय हीरा अधिकारी संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन पन्ना में 15 अक्टूबर 2019 से कार्यालय में जमा हीरों की सार्वजनिक नीलामी होना सुनिश्चित की है। हीरे नीलामी 15 अक्टूबर के 2 दिवस पूर्व 13 अक्टूबर 2019 तक तुआदारों पट्टादारों द्वारा हीरा कार्यालय में जमा हीरों की नीलामी में रखा जाएगा। राजस्व प्रकरणों का निराकरण न होने पर वेतन का भुगतान नहीं होगा। आम जनता के आवेदन पर कार्यवाही समय पर करें, पन्ना कलेक्टर ने कहा। कलेक्टर गर्मवीर शर्मा की अध्यक्षता में समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में CM हेल्पलाइन, जन सुनवाई, जनाधिकार, आपकी सरकार आपके द्वार योजना एवं जनप्रतिनिधियों के पत्रों पर की गई कार्यवाही की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी प्राप्त होने वाले आवेदनों एवं शिकायतों का निराकरण समय सीमा में किया जाए। आवेदनों पर कार्यवाही करने में लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग से संबंधित प्रकरणों का निराकरण समय सीमा पर नहीं होता तो राजस्व अधिकारियों का वेतन भुगतान नहीं किया जाएगा। कलेक्टर शर्मा द्वारा विभागवार CM हेल्पलाइन के पत्रों की समीक्षा की गई। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि वन भूमि संबंधी शेष रहे प्रकरणों का निराकरण करने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए।